बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं असी पटियाले दे लोकां वल्लों। साडे दो मिनिस्टर साहबान कैबिनेट दे चेतन सिंह जी जोड़माजरा ते डॉक्टर साहब जिहड़े कि तुहाडे अपने हल्के तो ने, उन्हां दा भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत की। पंजाब तो राज्यसभा के मैंबर राघव छड्डा जी अज सवेरे राज्यसभा च बोल के आए ने, जो गड़ेमारियां ते बेमौसमियां बरसातां दे नाल फसलां खराब होईयां ने, उहदे खराबे वास्ते सरकार वल्लों केंद्र सरकार वल्लों स्पैशल पैकेज की मांग करके आए ने, ते नाल नाल अपनियां जिम्मेवारियां इत्थे भी निभा रहे ने। नाल मेरे MLA साथी राजपुरा तो मैडम नीना मित्तल जी, घनौर तो मन्ने परमन्ने कबड्डी दे प्लेयर गुरलाल घनौर जी, शतराणे तो साडे सारयां दे फेवरेट कुलवंत बाजीगर जी, और जदों मिलदे ने हर वक्त खुश रहिंदे ने। सो इन्हां नूं मैनूं लगदा है इन्हां नूं भी असीं योगा दे टीचर वल्लों ही मानता दे दांगे। कोहली साहब पटियाला शहरी तुहाडे अपने जी पल कोहली जी बहुत मेहनत करते ने शहर नूं सुंदर बनाउण लई, और नाभा तो देव मान जी हर वक्त वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी करते ने कि लोगों ने जो जिम्मेवारी दी उन्हें निभाया जाए। सारा पटियाले का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी के अहुदेदार साहबान जिन्हें भी तुसी इत्थे चल के आए हो, सब तो वध धन्नवाद तुहाडा। कल्ला अज आउण दा नहीं, बल्कि तुसी ओ भमक्कड़ हो जिन्हां ने अपनियां गड्डियां च ते अपने मोटरसाइकलां च पल्लों तेल पवाए, घरदियां दे लांबे भी ले भी की फायदा उधर जाण दा, किधर तुरे फिरदे हो, ते अज उही घर दे जिहड़े तुहाडे ते माण करदे ने। सो मैं तुहाडा सारयां दा भी इत्थे आउण ते वेलकम करदा, स्वागत करदा। CM दी योगशाला पहलां दिल्ली दे विच शुरू कीती सी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जिथे भी 25 बंदे किसी पार्क दे विच ये कहण कि असीं वैसे तो सैर करते हाँ पर सानू कोई प्रॉपर योगा सिखाउण वाला नहीं हैगा, तां दिल्ली दे विच इन्हां ने फ्री दे विच इंस्ट्रक्टर जिहड़े योगा दे ट्रेनिंग देण वाले टीचर वो भेजने शुरू किए। तो भेजने शुरू किए तो बहुत सारे पार्कों के बहुत सारिया सोसायटिया चो मुहल्लों चो डिमांड आनी शुरू हो गई। डिमांड इन्नी ज़्यादा आनी शुरू हो गई, इस गल तो अंदाजा ला लो कि LG नूं फिर रोकना पिया काम, क्योंकि उत्थे जिहड़ी भी चीज़ लोगों हरमन प्यारी हो जाती दिल्ली च उन्हूं LG रोक दिंदा है। सो इतों ही अंदाजा लग सकता भी वह चीज़ बहुत वधिया सी, वह चीज़ लोगों को कोई ना कोई फायदा दे रही सी जिहड़ा LG नूं रोकना पै गया। उत्थे LG ने रोक लिया, इत्थे सानूं कौन रोकूगा? असीं तां फिर पंजाब दे विच पंजाबियों की सेहत बनाउण वास्ते एक कुछ शुरू करांगे। ये असल च जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, साढ़े पुराने बजुर्ग जिहड़े सी अज भी जिहड़े 90-90 साल दे ने, जे तुसीं उहनां दे पिंडां दे विच जाके उहनां नाल एक दिन बिता लो ना, तुहानूं सारा कुछ पता लग जूगा भी इहनां दी 90 साल उम्र क्यों है, इहनां दे ऐनक क्यों नहीं लगी, इहनां दा दंद क्यों नहीं निकलिया, इहनां दे गोड्यां दी ग्रीस 25 साल च जां 30 साल च क्यों नहीं मुक्की, ते इहनां नूं कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हैगी? क्योंकि उह नेचर दे नाल जिउंदे आ, उह कुदरत दे नाल जिउंदे आ। उह सवेरे 4 बजे 4:30 बजे उठ के उह सीधे खेतां च सब तो पहला ऑक्सीजन जिहड़ी है उह उहनां दे फ्रैश ऑक्सीजन उह उहनां दे लंग्स दे विच दी जांदी है। नाल नाल हरियाली फसलां देखणियां, हरियां अखां दी उहदे नाल एक्सरसाइज हुंदी है। उस तो बाद मैं सुनिया मेरे दादा जी करदे हुंदे सी, जे बुखार चढ़ गया कहिंदे धुप्पे बह जाओ, गर्मी नूं गर्मी मारदी है, ते उह भी इक तरीका सी। अज असीं थोड़ा जिहा बुखार हो जाए नाल ही एलोपैथी दब लैंदे आ विच्चे ही। सो इह गल है बजुर्ग जिहड़े ने, मैं पटियाले ही रहिंदा सी आप पिछे ही
महिंद्रा कंपलैक्स है खेड़ी गुजरा रोड से, मैं उदो इतें रहा हूं। मेरे दादा जी जो उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल से वो मेरे को इतने दवाई लैन आते होंगे सी, उन्होंने जोड़े दो चार टीके लगे है जिंदगी वो इत लगे है महीने च आखिरी महीने से टीका भी नहीं लगे से उन्होंने कदे वो पर रेंदे नहीं सी। बड़ी मैं थोड़ा इंट्रस्टिंग गल सुना, वो रात नहीं रेंदे सी अरविंद जी इत्थे इतों चले जाते मैं पिंड छड्या हो। जो तीन चार बार इदा होया मैं दादा जी ने कहा कि दादा जी तुम इतने रेंदे क्यों नहीं रात, कमरा तो अलग दें जे तो ठंड लगती है ए सी च तो कूलर ला दें, जे तो कूलर भी माफक नहीं पखा ला दें, तो दसो तो सही तुम इतने रेंदे क्यों नहीं। कहते भी पुत मैं रह तो जावा पर इत जो रात को पैने सौन तो पहला रब नहीं दिखता। मतलब मैं कह जी की, फिर मैं अंदाजा लाया असल च वह कोठे की घर के कोठे की छत ते सौन वाले लोग ने तारे देख के सौन वाले लोग सी, तारियां नाल बातां पा पा के सौन वाले लोग सी। इन्नी दूरों करोड़ों किलोमीटर तो तारा लभना है जिहड़ा तुरिया जांदा है, आई फोकसिंग है जी, अखां दी फोकसिंग है, एक्सरसाइज है, गन्ने चूपना दंदां दी एक्सरसाइज। अज साग मूलियां शलगम छलियां पिंड च भी विकण आउंदियां ने बाहरों, असी तो थोड़ी जी भी जगह नहीं छड़ी झोना लाने वालों कि आप दियां सब्जी ही आप बीज लिए। हर गल स्प्रेयां ते होगी, पेस्टिसाइड ते हो गए, तो फिर बीमारियां भी उन्नियां, बीमारियां भी एहो जिहियां जिहड़ियां डाक्टरां दे समझ नहीं आ रही, फिर बीमारियां दे पिछे दवाइयां बनदियां ने। तुसीं देख लो करोना आया, करोना जदों आया जिहड़े घरां पिछे लोगों को दिखाते फिरते भी असी घर पाया इन्ना वड्डा घर है, देखो बाथरूम च आ संगमरमर लाया, आ मकराने तो लिया के लाया, आ एडा प्राउड फील कर रहे थे साडा घर है। बहुतिया ने करोना वेले देखा वह घर, आप देखे नहीं कदे अपना घर, उदो उन्होंने पता लगे भी ये घर है, क्योंकि करोना ने कुदरत ने एक ऐसा मतलब मैं नहीं कहूँगा कि वधिया सी, पर महामारी इदां दी आई उन्हें लोगों को परिवारों कट्ठे करन च बहुत हैल्प की, थोड़ा जा शांति आई। जलंधर तो हिमालय पहाड़ियां दिखन लग गई सी, तो उस वेले पंछी जिहड़े सी वह बिल्कुल फ्री सी, जिन्होंने असी कहने कि शायद असी ही आए हैं धरती ते तो आए ही नहीं है, स्प्रेयां कर कर उन्होंने मारी जाने। सो जिहड़ा यह योगा है ये साहां की एक्सरसाइज है, हसना भी योगा है, असी हसते ही नहीं, असी अजकल हसने ही भुल गए, एक किसी होर दौड़ च ही पै गए, जो गुआढ़ी भजा जाता जिधर उधर असं भजे जाने ना, गुआढ़ी को पता जाना कितने है ना, आपां पता है वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, जो गुआढ़ी कार ले ले असी यही सोचते भी मैं भी मेहनत करके वड्डी कार लूँगा, यही सोच जाते रहने कोई गल नहीं हारन मारद झरीटा पावे कदे झरीटा पा भी देंगे है, मतलब दूजियां नूं थल्ले लाउण दी जिहड़ी लैग पुलिंग वाली। एक शायर सी लिखदा सी, उहनूं उहदी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, सच्ची गल है ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तां उहदा दूजा शायर दोस्त उहदा पता लैण गया, उह जिहड़ा जिहदी ओपन हार्ट सर्जरी हुई सी उह बोलदा बहुत घट सी, मतलब घट ही बोलता सी, जो महफल च भी बैठा हुंदा आपदे आप च ही गुम सुम जिहा रहिंदा सी, उहदे बारे मशहूर सी घट बोलता है। तो उन्हें जाके उत्थे दो लाइना लिखिया, ये नोट कर लियो तुहाडे काम आउणगियां। वह कहिंदा खोल लैंदा दिल नूं जे उस वेले यारां दे नाल, खोल लैंदा दिल नूं जे उस वेले यारां दे नाल, तां इहनूं खोलना ना पैंदा अज यारां दे नाल। सो जो दिल च है हस के जा किसी ने कढ लिया करो पड़ास, अंदर ही अंदर दबी जाने वो बीमारियां बनी जांदियां ने। और योगा दे विच की है, उहदे च लंबे साह ने, ऑक्सीजन है, हसना है, एक्सरसाइज है। साडे देश की बहुत पुरानी परंपरा है आयुर्वेदा तो लैके, साढ़े तो अज भी पिंडां दे विच कोई 60 बजे
कहिंदे हल्दी ला दो, हल्दी वाली पट्टी बन दो, ठीक है ना, हल्दी वाला दुध पिया दो। तो साढ़े कोल तां अज भी पुराने जिहड़े तरीके ने, जिहड़े मैडिटेशन दे ला लो जां डाक्टरां कोल तां बाद जाने आ। सो अज लोड़ है सब तो पहला उही गल के बाकी दे काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। खास तौर पर पंजाबी तां मन्ने गए ने सेहतमंद होने लई। सो इहदे वास्ते अलग अलग गौरमेंट ने स्कीमां कढ़ियां ने। देखो स्पोर्ट्स की गल करा तो असी लगभग 14,000 यूथ क्लब जिहड़े स्पोर्ट्स के पिंड च कस्बे च, उन्होंने रिवाइव करांगे, उन्होंने क्लबों रिवाइव करांगे कि खेडां वाले पासे यूथ जावे। असी खेडां वतन पंजाब दीआं कराईआं, 7 करोड़ के नाम दिते, 3 लाख तो वध खिडारियों ने हिस्सा लिया उस च, और गौर शाम नूं सारा स्टेडियम भरिया हुंदा सी। इस स्पोर्ट्स वास्ते असी कीता ताकि बच्चे स्पोर्ट्स वल जाण, साडे बच्चों के हाथ च सोने के मैडल होण, चांदी के मैडल होण, सानू ट्रेनिंग प्रॉपर मिले और उस एज तो मिले जदों असी कुछ करना चाहुंदे आ। ते इस तों बाद पंजाब पुलिस की भर्ती का क्या है, नोटिफिकेशन जारी हो गया जनवरी च, मई जून च पेपर होगा, अक्तूबर च फिजिकल टैसट होगा, उसकी तैयारी चल रही है। बहुत सारे नौजवानों के मैं हर रोज़ फोन आते हैं, वो जिमें कहते ना कि दुध का फुकया लस्सी भी फूका मारद, दुध का सड़िया लस्सी भी फूका मारद, उन्होंने दिल टुटे हुए हैं। वो मैं पूछते रहते बई जी ये भर्ती होगी, मैं क्या तुम कितने हो, कहते ग्राउंड च खड़े हाँ, फिर तो शरीर तैयारी करिए शरीरक, मैं भी बिल्कुल तैयारी करो, भर्ती भी होगी, पारदर्शी होगी, किसी की सिफारिश नहीं लगेगी, कोई पैसा भी नहीं देना पैना, अक्तूबर च होगा। बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने वो ग्राउंडों के अपना शरीर बनाते हैं, शरीर बनाएंगे शरीर ना प्यार होगा, नशे तो बचणगे, ड्रग्स तो बचणगे, होर बुरी संगत तो बचणगे। सो इस करके साडे कोले बहुत सारिया इस तरह स्कीमां ने जिहड़ियां लागू करिए लोगों नूं पुछ के। हैल्थ ते आ जांदे आ, हैल्थ नाल रिलेटड हुण तक असी 504 महला क्लीनिक खोल चुके हैं, जिहदे चों 151 जिहड़े ने वो अरबन च ने, शहरी खेत्र च ने, 353 रूरल च ने। 21,21,350 बंदे 31 मार्च तक उत्थे मुहल्ला क्लीनिकां दे विच, आम आदमी क्लीनिकां दे विच आके दवाइयां लैके टैसट करा के ठीक हो चुके ने 21,21,000। इहदा मतलब की हो गया, 21 लाख बंदे सरकारी हस्पतालां च नहीं गए, उन्हां नूं सरकारी हस्पतालां दीआं लाइनां च नहीं लगना पिया। इहदा मतलब सरकारी हस्पतालां च थोड़ा जिहा रश घटिया, उत्थों दे डाक्टर भी जिहड़े ने उह जिन्ने क मरीज आए ने उन्हां नूं प्रॉपर देख रहे ने, किन्ना फर्क पैंदा। नाल नाल साडे कोले हैल्थ दा डाटा भी आई जांदा कि पंजाब दे विच किहड़े इलाके च किहड़ी बीमारी ज़्यादा है, बच्चों च किहड़ियां बीमारियां ज़्यादा फैल रही ने, किहड़े मुहल्ला क्लीनिकां चों सानूं पता लग रहा, हैपेटाइटिस सी वाले बहुत केस आ रहे ने, हाइपरटेंशन दे किन्ने आ रहे ने, खुद डॉक्टर ने आप देखते रहिंदे ने, हर रोज़ अपडेट करते रहिंदे ने। सो उहदे नाल की होगा, सानू यह पता लगेगा कि फलाने इलाके च फलानी बीमारी फैल रही है, क्यों ना इहनूं आपां हुणे रोक लईए जड़ तों ही, तां असीं उत्थे स्पैशलिस्ट डॉक्टर जां स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये साडा हैल्थ नाल रिलेटड जिहड़ा साडा अगला प्रोग्राम है। बाकी असीं ये कोशिश करते हैं कि देखो खुश रहना जां खुश रखना डिफरेंट इहदे च फर्क है, पर कई बार कुदरती आफत इस तरह दी आ जांदियां ने कि वो सारी कबीलदारी हिला दिंदियां ने। पिछले दिन ही गड़ियां दी मार होई, बरसात होई बेमौसमी, पक्की फसल ते गड़े पै गए,